दोस्तों, बदलती वैश्विक परिस्थितियों में ग्लोबल ट्रेड का महत्व भी बदला है। व्यापार बिना किसी व्यवधान के होता रहे, इसके लिए अन्य देशों के साथ संबंधों के साथ ही सुरक्षित ट्रेड रूट जरूरी हो जाता है। इसलिए भारत के लिए भी अब एक ऐसा ही ट्रेड रूट तैयार हुआ है जो देश को व्यापार के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाला साबित हो सकता है। इस ट्रेड रूट के कारण भारत सड़क मार्ग से ईरान, रूस समेत कई देशों से जुड़ गया है। ये रूट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के नाम से जाना जाता है। यह रूट 7,200 किलोमीटर लंबा है। यह कॉरिडोर सेंट्रल एशिया और भारत के बीच व्यापार के खर्च को पारंपरिक रूट की तुलना में कम से कम 30% सस्ता कर देता है। इसके अलावा नया रूट समय की भी बचत कराता है। अगर यह रूट नहीं होता तो रूस से यह सामान स्वेज नहर के रास्ते आता और इसे 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। पहले इसे सेंट पीटर्सबर्ग से समुद्र के रास्ते कैस्पियन सागर स्थित पोर्ट सिटी अस्त्राखान लेकर जाना होता। इसके बाद माल ईरान के उत्तरी बंदरगाह अंजाली तक पहुंचता। वहां से माल को सड़क मार्ग से फारस की खाड़ी में स्थित दक्षिणी बंदरगाह बंदर अब्बास तक लाया जाता। तब माल फिर समुद्री मार्ग से नवी मुंबई के लिए रवाना होता। पारंपरिक मार्ग से माल को रूस से भारत आने में 45 से 60 दिन लगते, जबकि नए रूट से माल 25 से 30 दिन में भारत पहुंच जाएगा। INSTC रूट ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल ऑक्स रूटियर्स TIR कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से होकर गुजरता है। इस रूट का एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन करता है। इसका लक्ष्य एकल कस्टम डॉक्यूमेंट पर माल की मल्टी मॉडल ढुलाई को संभव बनाना है। यह कॉरिडोर भारत को ईरान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। इस परियोजना में भारत के अलावा ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। इसकी संकल्पना भारत, रूस और ईरान ने मिलकर सितंबर 2000 में तैयार की थी। इस कॉरिडोर को बाल्टिक, नॉर्डिक और आर्कटिक क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है। INSTC का वेस्टर्न कॉरिडोर जून 2021 में बनकर तैयार हुआ, जो भारत को यूरोप से कनेक्ट करता है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इसके ईस्टर्न कॉरिडोर पर काम कर रहा है। यह कॉरिडोर चीन को सेंट्रल एशियाई कंट्रीज से होते हुए रूस और यूरोप से कनेक्ट करेगा। भारत भी इस कॉरिडोर का हिस्सा है। इस कॉरिडोर से मौजूदा ट्रेड पार्टनर कंट्रीज पर भारत की निर्भरता कम होगी। इसके अलावा व्यापार में समय के साथ पैसे की भी बचत होगी। दूसरा बड़ा असर यह देखने को मिल रहा है कि इस कॉरिडोर ने अजरबैजान और रूस को पहले से और ज्यादा करीब ला दिया है, जिसने आर्मेनिया के साथ तनातनी में अजरबैजान सरकार का मनोबल बढ़ाया है। आर्मेनिया को पश्चिमी देशों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस कॉरिडोर का महत्व केवल सैन्य दृष्टिकोण से ही ज्यादा नहीं है, इसका कमर्शियल महत्व इन सबसे ऊपर है, क्योंकि यह लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह कॉरिडोर आर्थिक गतिविधियों और आसान आवागमन के नए रास्ते खोल सकता है। इसके अलावा आर्थिक पाबंदियों से मुक्ति दिलाकर क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए आर्थिक तरक्की का नया रास्ता खोल सकता है। इसी बीच भारत और रूस के बीच बने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ने इतिहास रच दिया है। इस कॉरिडोर के रास्ते पहली बार भारत की ओर जाने वाले 2 ट्रेनें रवाना हुई हैं। कुछबास से भारत की ओर आने वाली दोनों ट्रेनें उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर के रास्ते यात्रा पर निकली हैं। रूसी रेलवे ने दोनों ट्रेनों के रवाना होने की पुष्टि की है। इन ट्रेनों की यात्रा साइबेरिया से शुरू हुई और फिर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पहुंची। इसके बाद अब ट्रेनों में लदा कोयला मुंबई के लिए समुद्र के रास्ते यात्रा के अंतिम चरण में रवाना होगा। तो देखा जाए तो ये जो कॉरिडोर है वो भारत को बहुत फायदा देगा। तो दोस्तों, इस कॉरिडोर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताओ। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।